अस्सलाम वालेकुम पीटीआई के रहनुमा सबक़ वज़ी इमरान खान के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ जनाब डॉक्टर शहबाज गिल के खिलाफ इमरान खान ने एक मुकदमा दर्ज करवाया जिस मुकदमे का खुद डॉक्टर शहबाज़ गिल को भी इल्म न था यह मुकदमा दर्ज हुआ है जनाब पाँच दिसंबर दो हज़ार बाईस को और पी टी आई के जो रहनुमा हैं जिन्होंने इमरान खान के नैरेटिव को नेशनल टेलीविजन पे बयान किया जिसके बाद उन पर मुकदमात का सिलसिला चला गिरफ़्तारी उन्होंने भुगती उनकी तबीयत ख़राब हुई और अब खुद तहरीक इंसाफ में उन्हें वो जगह वो मकाम वो मरतबा नहीं मिल रहा जिसकी वो पहले मरकज़ हुआ करते थे जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ शहबाज़ गिल नज़र आते थे अब शहबाज़ गिल खुद गए दिनों को याद करके रोते नज़र आते हैं शिकवा करते नज़र आते हैं अब इमरान ख़ान ने उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज करवाया इसकी तफसील क्या है ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वाज रहे कि इमरान खान डॉक्टर शहबाज़ गिल का नाम तक नहीं ले रहे थे और डॉक्टर शहबाज गिल ने फिर ट्विटर पर एक ट्रेंड चलवाया जिसके बाद इमरान खान ने उनका नाम लिया और नाम लेने के बाद वो फिर उन्हें भूल गए और जो पी टी आई के रहनमा हैं वो अदालतों में भी इमरान खान के कहने के बावजूद पेश नहीं हो रहे इमरान खान ने जो मुक़दमा दर्ज करवाया वो क्या है वह मुकदमा दफा पाँच सौ पाँच सौ एक पाँच सौ चार पाँच सौ और एक के तहत दर्ज हुआ है इसमें से कुछ दफ़ात ऐसी हैं जो नाकबिल ज़मानत हैं बड़ी संगीन हैं गद्दारी की मुकदमात हैं इनको पहले भी सामना करना पड़ा और इस मुकदमे भी भी गद्दारी की दफात शामिल की गई हैं ये मुकदमा दर्ज हुआ है जनाब पसनी में और इसमें नामज़द हैं पी टी आई के रहनमा सबक चीफ़ ऑफ स्टाफ़ जनाब शहबाज़ गिल साहब मुकदमा मुकदमा दर्ज करवाने वाले का जो नाम है वो है इमरान खान इमरान खान की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है इमरान खान वल्द जान मोहम्मद ये एक शहरी हैं पसनी के आप इमरान खान समझते हैं कि इस मुल्क में एक ही हैं तो ऐसा नहीं है इमरान खान वल्द जान मोहम्मद की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ पाँच दिसंबर को और ये उसी कस्म का एक मुकदमा है जो अगस्त के वाक़ हैं अगस्त में जो एर वाई डॉक्टर शहबाज़ गिल साहब ने गुफ्तु की थी तो उसी सिलसिले की एक कड़ी है क्योंकि ये तो ख़ुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोज़ जज ने शेख रशीद के केस में कहा कि एक मुकदमे में ज़मानत होती है तो दूसरे में उठा लेते हैं तो इस किस्म के जो मामलात हैं उसमें ये देखने में आता है कि के एक के ऊपर एक एफ आई आर होती है और ये जो एफ़ आई आर है पाँच दिसंबर वाली इसका डॉक्टर शहबाज़ गिल साहब को भी अब तक इल नहीं था अब आके उन्हें पता चल रहा है कि उनके ख़िलाफ़ एक एफ आई आर ये भी दर्ज हुई है बहरहाल इसके अलावा रात गए चौधरी परवेज अलाही की जो रिहाइश गाह है गुजरात में उस पर छापा मारा गया और मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ़्तारी पहले ही सिंध से हो चुकी है तो मोन सलाही ने ट्वीट भी किया बताया कि एफआईए और दीगर जो लोग हैं वो आ रहे हैं बग़ैर किसी वारंट के और छापा मारा जा रहा है और छापा मारकर वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह गिरफ़्तार किया जाए अलबत् इससे पहले जो कुंजा हाउस है वहाँ पर जो छापे मारे गए वो बताया गया कि चौधरी वजहत हुसैन की गिरफ्तारी के लिए मारे गए क्योंकि गुजरात में जो अस्पताल के नाम की तब्दीली के मामले पर जो फड्ढा हुआ था लड़ाई हुई थी उसमें मूसा इलाही और चौधरी वजाहत नामजद हैं और मूसा इलाही ने अपनी जमानत करवा ली थी वजाहत साहब ने अभी तक नहीं करवाई जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कोशिशें हो रही हैं अलबत् परवेज़ इलाही को भी ओकाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया याद रहे मोहम्मद खान भट्टी को सिंध के इलाके मटियारी से गिरफ्तार किया गया और ओकाड़ा की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए परवेज़ इलाही को ओकाड़ा से गिरफ़्तार किया है और ओकाड़ा से परवेज़ इलाही के कब्ज़े से पुलिस ने ढाई किलो चर्स बरामद किए इससे पहले आपको याद होगा कि सबक वज़ी अली पंजाब परवेज़ इलाही के गार्ड और एक ड्राइवर को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया उनसे मुनशियात बरामद हुई और फिर उन्होंने कहा कि ये परवेज़ अलाई साहब के लिए हम लेकर जा रहे थे परवेज़ अलाही साहब के लिए फ़ीम नामी को शहरी पार्टीज़ अरेंज करता है उनका मुलाजिम है हमने उसको पैसे दिए उसने हमें ये चीज़ें दी हम ये लेके जा रहे थे हमें नहीं पता बारा परवेज़ अलहही के कब्ज़े से पुलिस ने ढाई किलो चर्च भी बरामद की है और पता ये चल रहा है कि जी परवेज़ अलहि के ख़िलाफ़ थाना गुगेरा में नाइन सी का मुकदमा दर्ज हुआ है और ये मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया है और ओकाड़ा में ये एक बड़ी कार्रवाई तस्वूर की जा रही है परवेज़ अलाई को पकड़ा गया है क्योंकि ये जो परवेज़ लाही वल्द कासिम नामी शहरी है ये मुनशियात फरोशी का धंधा करता है और इसे पकड़ लिया गया अब आप ये देखें कि शहबाज़ गिल के ख़िलाफ़ इमरान ख़ान एफ़ आई आर दर्ज करवा रहे हैं और परवेज़ लाही नामी शहरी उकाड़ा से पकड़ा जा रहा है ये बड़ी दिलचस्प खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर या कन्वेशनल मीडिया पर इस तरह से चलाई जा रही हैं तो मैंने सोचा कि चलें इसी सिलसिले की एक कड़ी हम भी शुरू करते हैं आपको थोड़ा घुमा फिर कर मुद्दे पे लाते हैं ये जो अचानक से कोई परवेज़ इलाही पकड़ा जाता है और शहबाज़ गिल के ख़िलाफ़ कोई इमरान ख़ान जो है वो एफ़ करवा देता है ये भी बड़े सॉफ्ट मैसेज होते हैं लोगों को थोड़ा चस्का देना होता है काम करने वालों ने तो वो चस्का आपको और मुझे फराम किया जा रहा है बहरहाल जेल भरो तहरीक खान साहब शुरू करने जा रहे हैं लेकिन वो ये कहते हैं अगर इंतबात ना हुए तो हम ये जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे तो खान साहब अपनी ही बात को फिर घुमा देते हैं जिस तरह से परवेज़ इलाही गिरफ़्तार हो रहे हैं या शहबाज गिल के ख़िलाफ़ इमरान खान ने मुकदमा दर्ज करवाया तो ये पूरा मुल्क घूम रहा है हम एक चक्कर का शिकार हैं और हम बत्तियों के पीछे लगे हुए हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं तो ऐसे में इमरान खान साहब को उनके नबे दिनों का एक और यू टर्न मुबारक हो अलबा हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज ये हो गया कि उन्होंने जो सेहत कार्ड की सहूलत थी उसे ख़त्म कर दिया उसके फंड्स रोक दिए क्योंकि ज़ाहिर आई एम के साथ इस वक्त मुजात चल रहे हैं और आईएमएफ बड़ी सख्ती से पेश आ रहा है एक एक पाई का हिसाब ले रहा है ख़ुद वज़ी अजम ने कहा तो इस सारी सूरत हाल में लोगों को ये याद है कि इमरान ख़ान ने उन्हें इंसाफ सेहत कार्ड की सहूलत दी और नवाज़ शरीफ हुकूमत ने अब शहबाज शरीफ़ हुकूमत ने उनसे ये सहूलत छीन ली ये भी एक बहुत बड़ा डैमेज है आइंदा आने वाले दिनों में पंजाब में मुस्लिम लीग नून के लिए मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आईएमएफ जो है वो जो भी करवा रहा है उससे जो पॉलिटिकल गेन है वो जनाब इमरान ख़ान साहब का है और इसका सारे का सारा नुकसान सारे का सारा दुख सारे का सारा खसारा मुस्लिम लीग नून की झोली में जाएगा तो आइंदा अगर कोई थमने लगाए कि परवेज़ लाई गिरफ़्तार हो गए तो आपने छलांग नहीं मारनी आपने वीडियो पूरी देखनी है आखिर तक देखनी है और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इमरान ख़ान शहबाज़ गिल के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे क्योंकि इमरान ख़ान ने शहबाज गिल को खुडे लाइन लगा कर यह पैगाम दे दिया है कि मुझे जिसको अपने पास रखना होगा रखूँगा जिसे नहीं रखना होगा नहीं रखूँगा तो ये एफ़ आई आर वैसे वो इमरान ख़ान साहब तो कानून पर यकीन ही नहीं रखते ना ही वो कानून की अमलदारी पर जो है वो यकीन रखते हैं तो उन्हें क्या ज़रूरत मुकदमा दर्ज करवाने की कान साहब तो बस ये समझते हैं कि जिसे मैं चाहूँ वो अर्श पर जिसे मैं चाहूँ वो फ़र्श पर तो गिल साहब के साथ आज कल यही हो रहा है गिल साहब की चीखें तुलो अर्श पर सुनाई दे रही हैं पाकिस्तान में और अल्लाह करे कि गिल साहब को एहसास हो कि उन्होंने एक नार्सिसिस्ट एक खुद पसंद आदमी में अपना वक्त अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट किया और इस इन्वेस्टमेंट का उन्हें बदला कोई भी नहीं मिलेगा